हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश किस कारण हूँ, क्योंकि आज हमारे पास आ चुका है कक्षा 11वीं का, वो भी गणित का पेपर, ठीक, जो आपका कितने अप्रैल को होने वाला है, जो 10 अप्रैल को होने वाला है। कितने अप्रैल को? 10 अप्रैल को, ठीक। तो आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कवरेज जरूर देखिएगा, क्योंकि जो 10 अप्रैल का वीडियो पेपर होने वाला है, तो 10 अप्रैल के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने आप लोग सही विकल्प, रिक्त स्थान से जुड़ी संपूर्ण सॉल्यूशन बताया है, ठीक बच्चों, ताकि आप लोग किसी कन्फ्यूजन ना हो। आप लोग जो 10 अप्रैल का पेपर दे के आए, तो उसमें आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक। चाहे साथ ही आप लोग इस पेपर के जरिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे कितना बनना है, कितना नहीं बनना है, तो रिविजन के तौर पर भी हो जाएगा आपका, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सब प्रथम रहेंगे आप लोग सामने, वहाँ पर सही विकल्प जो पेपर आएगा उसमें सही विकल्प रहेंगे, ठीक। जैसे आप लोग देख सकते हो, यह सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक। चलिए, जैसे पहला लिखा आप लोग, यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 10 हो, तो एफ माइनस 10 यानी 10 का मान होगा। तो बच्चों ये अधिकतर मैथ में हम लोगों के प्रश्न जो दिए जाते हैं उनको लगाना पड़ता है, यानी सवाल दिए जाते हैं तो सवाल को लगाएंगे तभी आंसर सही आता है। तो हमने इसको लगाया तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा, मतलब कि इसका आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन सही हो जाएगा 0, ठीक। ए आंसर 0 आना इसका, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक बच्चों। चले दूसरा, यदि ए बराबर समुच्चय ए बी बराबर ए बी पी बराबर समुच्चय ए बी सी समुच्चय बंद ऑफ ए यू बी का मान होगा। तो इसका भी हम समुच्चय देखते हैं उसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है समुच्चय सी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाए, बी वाला है। तीसरा का, यदि एक्स प्लस आई आई बाई बराबर 2 + 3i, तब एक्स बाई का मान होगा। हमको इसमें एक्स बाई का मान निकालना है, तो 2-3 आ जाता है इसमें, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चौथा लगा, एक्स प्लस बाई स्क्वायर मतलब कहते हैं चढ़ जाएंगे 2n के प्रसारण पदों की संख्या होगी, तो इसमें हो जाएगी आप लोग सामने यहाँ पर 2n + 1 है, इनकी बी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, यदि सर रेखाएँ बाई बराबर 3x + 7y और 7 और y = mx + 2 परस्पर लंबवत हैं, तो मतलब इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा 3m + 1 = 0, मतलब कि इसका सी ऑप्शन आपका सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 3m + 1 है बराबर 0 है, क्योंकि इसमें हमने परस्पर लंबवत है, तो परस्पर लंबवत निकालना है, तो इसमें 3m + 1 = 0 आ जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए अगला, संख्याओं में 3, 4, 5, 6, 7 का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने क्या, 1.2, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आप लोग सामने सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग रिक्त स्थानों की ओर, तो रिक्त स्थान भी आप लोग सामने कुछ प्रकार से दिए गए हैं, जिनको हम आप लोग सामने लिखेंगे, ताकि आप लोग किसी का प्रॉब्लम ना हो, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए पहला का आप सामने, यदि ए बराबर समुच्चय ए 2 और 1, 2, तो ए के अतिरिक्त उप समुच्चय की संख्या होगी, तो उपयुक्त हमको समुच्चय की वो निकालने के लिए उप समुच्चय की संख्या होगा निकालना, तो कितने होंगे उप समुच्चय, तो इसमें हो जाएंगे आप लोग पहले का आंसर हो जाएगा 3, ठीक। दूसरा का, एफ बराबर समुच्चय 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1 का परिसर है, तो इसमें हमको परिसर निकालना है, तो दूसरे में आपका परिसर आ जाएगा समुच्चय 1 ऐसा, ठीक। तीसरा लिखा आप लोग सामने, 3x + 2y = 11 के प्रसार के पदों की संख्या, इसमें हो जाएगा आपकी तीसरे का हो जाएगा 12। चौथे की बात करते हैं, चौथे में लगा 2x + 3y कहा थे 5 का प्रसार 3 पदों में, इसमें हमको इसमें पदों की संख्या इसमें 3 पदों की संख्या, तो 3 पदों में देखो भाई आपका ऐसा आएगा 3x + 3y + 240x4y + 720x+720x3y2, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग हमें चौथा आंसर सही हो जाता है, ठीक चौथी का। चलिए पांचवा देखते हैं हम लोग, पांच बोला, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में 45° कोण बनाती है, कोई कौन सी, कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ, ठीक, धनात्मक 45 कोण बनाती है, तो उस रेखा की प्रवणता होगी, प्रवणता हो तो वो क्या होगी, तो उसकी हो जाएगी एक, ठीक। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को हम क्या कहते हैं, तो एक्स वाई तल कहते हैं, यानी छठवीं का हो जाएगा एक्स वाई तल। दो रेखाओं की प्रवणता परस्पर एक दूसरे की ऋणात्मक व्युत्क्रम होती है, व्युत्क्रम मतलब लंबवत, ठीक, ये आपका हो जाएगा दो लंबवत, यहाँ पर लंबवत बता देंगे तभी लंबवत, तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग दो लंबवत रेखाएं, ठीक, तब लंब। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट हो गई है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हुए तो नेक्स्ट है आप लोग सामने यहाँ पर देख लेते हैं हम, इस प्रकार से, अरे यार क्योंकि न्यू पेपर है इसी कारण न्यू पेपर में थोड़ा इस प्रकार से आता है,
तो आप लोग देखो सही जोड़ी, सही जोड़ी हम लाएंगे। पहला लगा बोल साइन पाई बराबर पाई माइनस एक्स, इसका पहले का मिलाओगे आप लोग, देखो पहले का मिलाओगे आप कैसे मिलाओगे, पहले का मिला दोगे आप लोग कैसे। चलो अगर आप पाबंद बच्चे तो आप लोग भी बता सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, आप लोग बताइए। पहले का मिलाओगे आप लोग सी वाले से यानी साइन एक्स से, दूसरे वाले को मिलाओगे आप लोग कैसे टेन टू एक्स से यानी कि मिलाओगे डी वाले से, टेन टू एक्स मिला डी वाले से। तीसरा मिलाओगे आप लोग किससे, तीसरे का मिलाओगे आप लोग ए वाले से मतलब कि माइनस साइन एक्स, ठीक। फिर देखो आप लोग चौथा वाला कॉस टू पाई माइनस एक्स, तो चौथे के वाले का मिलाओगे आप लोग ई वाले से मतलब कि कॉस एक्स ई वाले से। फिर भी नंबर यानी पाँचवा आई स्क्वायर, इसका पाँचवें का मिलाओगे आप लोग किसे माइनस के वन यानी एफ वाले से, एफ वाले से। छठवा का मिलाओगे आप लोग किससे, इसमें लिम एक्स टू माइनस वन बट में एक्स प्लस एच माइनस जीरो, तो इसका मिला दोगे आप लोग छठवें वाले मिलाओगे बी वाले से मतलब ए। तो अच्छा इस प्रकार से आप समय सही जुड़ी पूरी कंप्लीट हो जाती है, आप लोग चाहो तो देख भी सकते हो, इस वीडियो को एक बार नहीं हज़ार बार भी देख सकते हो, बिल्कुल फ्री है बच्चों, ठीक। चलिए देखते हैं एक शब्द एक वाक्य आंसर, बच्चों एक शब्द एक वाक्य आंसर। देखने से पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा बच्चों कि आपके जो नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री का भी होगा तो उसका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए एक शब्द के एक वाक्य आंसर देख लेते हैं हम। हाँ तो पहला देखते हैं हम लोग, सर्वप्रथम पहला लगा एक फलन एफ एक्स बड़ा टू एक्स प्लस पाँच द्वारा परिभाषित है तो एफ माइनस तीन का मान लिखिए, हमको इसको मान निकालना बच्चों, तो कैसा होगा इसका मान निकालते हैं तो माइनस का वन आ जाता बच्चों, इसका पहले का आंसर हो जाएगा माइनस वन। दूसरा वाला देखते हैं, मूल बिंदु ओ जीरो जीरो बिंदु पी एक्स वाई के बीच कितनी दूरी होगी, तो इसकी दूरी हो जाएगी आपकी इतनी, कितनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तीसरा देखते हैं, तीसरे में यदि एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वन वाई माइनस टू बराबर थ्री वन तो एक्स वाई का मान होगा, तो इसमें तो तीसरे का हो जाएगा तो एक्स बराबर आ जाएंगे दो कोमा और वाई बराबर आ जाएंगे तीन, ठीक। चौथा का इसका कोस इसका नाम मान लगा नाम गोटी, तो इसका मान लगा दो तो चौथे वाले का आ जाता है भाई के नंबर कितने आते हैं चार आ जाता है, ठीक। चौथे वाले के चार आ जाएगा। पाँच वाले का आप लोग सामने एक फलन एफ एक्स बराबर टू एक्स पाँच द्वारा परिभाषित है तो एफ साइज सेवन का मान लिखिए, तो इसमें आज पाँचवें का नौ आ जाएगा मान, ठीक। पाँचवा हो गया अपना छठवा देखते हैं हम लोग, छठवें वाले में पूछा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को नाम क्या है, तो सभी लोग जानते हैं उस तल का नाम क्या, मैंने पहले ही बताया था खाली स्थान है, तो इस तल का नाम है एक्स वाई। यदि एफ एक्स बराबर लॉग ई एक्स है तो फलन का प्राप्त के लिए, तो इसमें फलन का प्राप्त हो जाएगा सातवें वाले का, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा इस प्रकार से वन और ए वाला चिन्ह आ जाएगा ऐसा वाला। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक बच्चों। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट को, नेक्स्ट आप लोग सामने सतासत, चलिए इन्हें भी हम कंप्लीट करवा देते हैं आप, ताकि आप लोग ए भी आप लोग सीख जाए। पहला लिखा आप लोग सामने एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर जीरो है, क्या एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर जीरो है तो ए सत्य है असत्य है, तो भैया पहला का हो जाएगा, पहला तो होगा आपका असत्य, ठीक। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा लिखा है यहाँ पर समुच्चय भाई एक रिक्त समुच्चय है, समुच्चय तो दूसरे का लोग असत्य। तीसरा लगा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बराबर जीरो का हल प्लस माइनस अंडर रूट के थ्री आई है, तीसरा हो जाएगा असत्य। एक असामयिका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है, तो चौथे का हो जाएगा हाँ घटाई जा सकती है, चौथे का सत्य। पाँच में लिखा है माइनस आई का संयोगी आई है, तो पाँच में हो जाएगा हाँ है सत्य। तो जैसे चलिए मैं पीडीएफ डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ, देखिए ये मेरा मोबाइल है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आपको क्या सर्च करना है, एमपी बोर्ड क्लास 11, जैसे आपको फिजिक्स का करना तो फिजिक्स सर्च करना, जैसे अगर आपको पशुपालन का करना तो यहाँ पशुपालन लिख देना, अगर अर्थशास्त्र करना तो अर्थशास्त्र लिख देना। अभी मैं फिजिक्स का करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स पेपर 2023, ठीक है। जैसे मैंने लिखा फिजिक्स का यहाँ पर सर्च करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा मैं नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको देखिएगा भौतिक शास्त्र, ठीक है। आपको क्या देखना है, स्टडी नोट्स पीजे डॉट कॉम ही देखना है आपको, ठीक है। इसमें पीछे का लोगो लगा होगा पीले कलर का, स्टडी नोट्स पीजे डॉट कॉम लिखा होगा और यहाँ पर लिखा भी है सेट ए, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिएगा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम असली पेपर देखिए फिजिक्स का डला हुआ है, ठीक है, असली पेपर है और फिजिक्स का ये डला हुआ है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन डला हुआ है, जैसे आप सॉल्यूशन के बटन पे दबाएंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन होगा कि अदर जो जैसे पशुपालन हो गया या फिजिक्स के और जो सेट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो होम पे दबाना, होम पे दबाने के बाद एमपी बोर्ड क्लास 9th 11th पे दबाना, तो यहाँ पे देखना
वायरल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हल करने के लिए यहाँ पे देखिए। तो अभी के कक्षा 11वीं के हमें सब्जेक्ट पे ढूंढना है, जैसे कि अर्थशास्त्र दिया गया तो सेट ए का अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन है, भौतिक विज्ञान का सेट ए और बी का है। तो आपको अपडेट होते जाएंगे, यहीं पे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहीं पे आपको यहाँ पे पशुपालन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। छठवीं में डी एक्स प्लस डी एक्स में डी प्लस डी एक्स साइन एक्स बराबर माइनस कोस एक्स है, तो इसमें हो जाएगा छठवीं का हो जाएगा सातवीं का, छठवीं हो जाएगा असत। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सात असत भी हो जाती है। चलिए हम लोग देते हैं प्रश्न जो आप लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन प्रश्नों को आपको बच्चों लगाना है, हम चलिए बता देते हैं आपको। चलिए पहला लगा आपका ए वाला प्रश्न, ये प्रश्न का छठवें दूसरे वाला है, इनके आंसर भी हमारे पास है, ये बात नहीं, हम आंसर भी बताऊँगा आपको, ठीक। चलिए जे आपका सातवें जो ये सातवां प्रश्न हो जाता है, ठीक है। दो दो नंबर बच्चों इनको आप लोग नोट करना ना, वो आप सभी को आप लोग अभी से लगाना है बच्चों, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक। सभी लोग बच्चे लगाएं इस प्रश्न जो प्रश्न जो ए प्रश्न 11, 12, 13वां, ठीक। और भी काफ़ी मिलाते सवाल बच्चों, पूरे प्रश्न है पूरा। ये बार 14वां प्रश्न जी, दो दो नंबर के, फिर तीन तीन नंबर के बता दें हम, ठीक। 16 तक देख लीजिए आप लोग, 16 प्रश्न तीन नंबर का है। आप लोग 17, 18, 19 बताओ जी, तीन तीन नंबर के देख रहे होंगे, ठीक। चलिए अब ये रख सामने 20वां प्रश्न हो जाता है, ये और 21वां प्रश्न और ये 22वां 23वां। तो प्रश्न देखिए बता दिए, अब प्रश्न को आंसर भी दिखाते हैं। चलिए दो प्रश्न का आंसर हमने आप लोगों के सामने पीडीएफ बनाया बाकायदा, ताकि आप लोग की प्रॉब्लम ना हो, हम अच्छे तरह से आपको दिखाएंगे। दो दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो प्रश्न क्रमांक छठवें का आंसर ए रहा है, ठीक। तो आप लोग इस प्रकार से वीडियो करोगे, एक पास वो कर देता हूँ मैं, देखो अब और अच्छे से दिखा देगा। प्रश्न क्रमांक छठवें का जाओ आप लोग सवाल लगाओगे इसी प्रकार से हल करेगा, ठीक। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक सातवें का आंसर जी हो जाता है, ठीक। जो मैंने प्रश्न बता चुके हैं, आप लोग ने इसकी सुनी ली है तो वीडियो बैक करके भी ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 का तो बच्चे इस प्रकार पूरा प्रश्न 23 तक के आपके पूरे सॉल्यूशन हमारे पास हैं, जो आप लोग देख सकते हो। इसलिए मैं बताऊंगा तो लेट भी हो जाएगा, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड कैसे करने हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, जो उसे ज्वाइन करें। अगर वहाँ पर पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप लोग स्टूडेंट पीजी द्वारा वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी नहीं मिलता तो इसके ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो भी लाऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उस वीडियो में आप लोग सामने पूरा डिटेल्स इसी प्रकार से लगा के समझाऊंगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।